नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कई फूल ऐसे होते हैं जो न सिर्फ प्रकृति को खूबसूरत और आकर्षित बनाते हैं बल्कि सेहत और त्वचा के लिए भी लाभकारी होते हैं। यूँ तो आप भी किसी न किसी फूल के गुणों से परिचित होंगे ही और फूलों के औषधीय फायदों का लाभ भी उठाया होगा, लेकिन आज हम जिस फूल के बारे में बात करेंगे उसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। इस लाभकारी फूल को पनीर के फूल के नाम से जानते हैं। यह ऐसा प्रभावकारी फूल है जिसका इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेद की दवाइयों में किया जाता है। पनीर फूल जंगली असगंध होता है जिसका संबंध सोलानेसियाए परिवार से होता है। आपको बता दें कि पनीर फूल की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी, इसलिए पनीर के फूल को इंडियन रेनेट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कई स्थानों पर पनीर के फूल को पनीर डोडा के नाम से भी जानते हैं। पनीर के फूल का पौधा झाड़ीदार होता है जिसमें छोटे छोटे महुआ के फूल जैसे फूल लगे होते हैं। हालांकि पनीर के फूलों और महुआ के फूलों के आकार में थोड़ा अंतर जरूर है। पनीर के फूल के स्वाद की बात की जाए तो इसका स्वाद कभी मीठा और कभी कड़वा होता है। इसका उत्पादन भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी किया जाता है। वहीं पनीर के फूल के विषय में तमाम जानकारी मिलने के बाद आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर पनीर के फूल को किसी भी जंगल या गार्डन से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, तो आप गलत हैं। दरअसल पनीर के फूल किसी भी जंगल या गार्डन में आसानी से नहीं मिलते, इसकी उपज बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर आप भी आसानी से पनीर के फूल खरीदना चाहते हैं तो आप इसे पंसारी या आयुर्वेदिक दवाखानों के अलावा ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। पनीर के फूल न सिर्फ डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद है बल्कि ये सर्दी जुखाम, मुहासो, त्वचा को टाइट बनाने, यहाँ तक कि मोटापा घटाने में भी मददगार होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।